देखिए 8415 जो सिपाही भर्ती है उसका मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त होता है और उसके बाद इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी कोई अता पता नहीं कि कब मेरिट लिस्ट आएगा। लेट हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह मैं मानता हूँ, सेटिंग चल रहा होगा, धांधली चल रही है और इस वजह से लेट हो रही है। और अगर कुछ दिनों में 10 दिन 12 दिन में मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो फिर आप लोग आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। आंदोलन के लिए अगर आप लोग तैयार होते तो हम आपके लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो नहीं पढ़ते हैं क्या हम लोग? नहीं पढ़े हैं? 90 से ऊपर 100 में कटअप जाएगा, वो भी बिहार पुलिस में जाता है। तो समझ लीजिए कि ये उद्योग एक बिहार में फैक्ट्री चल रहा है सेटिंग का, धांधली का, और अरबों रुपए की इसमें उगाही हो रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। 8415 सिपाही बहाली जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। नवंबर 2020 में इसका विज्ञापन आया था और मेरिट लिस्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, इनसे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 8415 जो सिपाही भर्ती है उसका मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त होता है और उसके बाद इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी कोई अता पता नहीं है कि कब मेरिट लिस्ट आएगा, जबकि इसका मेरिट जो बनना है सिर्फ फिजिकल जो पास किए उनको जो मार्क्स आया उसी के आधार पर मेरिट बनना है तो 10 दिन में काम हो सकता है। लेकिन ये जो लेट हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है मैं मानता हूँ, सेटिंग चल रहा होगा, धांधली चल रही है और इस वजह से लेट हो रही है। और कोई अगर आपको ये बोल रहे हैं कि 10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, 15 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, तो ये किसी को कुछ पता नहीं है, ये सब ऐसे बोलने के लिए कोई बोल दे रहे हैं। ये तो जून से मैंने कहा जा रहा था कि जून में रिजल्ट आ जाएगा, फिर जब जून बीत गया तो जुलाई में आ जाएगा, फिर जुलाई बीत गया तो अगस्त में आ जाएगा, अगस्त बीत जाएगा तो कहेंगे सितंबर में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया बिहार में चलती है और ये मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं जो भी इस तरह की बात करते हैं कि जब आपको पता ना हो तो मत बोलिए, ऐसे स्टूडेंट को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उम्मीद बन जाता है ना, और जब उम्मीद टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं कि क्या दर्द होता है, हम स्टूडेंट्स के बीच ही रहते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना मतलब कह देते हैं वैकेंसी आएगा अगला महीना, तो अगला महीना रिजल्ट आ रहा है, जबकि किसी को कुछ पता नहीं है। रिजल्ट सिपाही का 8415 का, सॉरी 8415 सिपाही भर्ती का कब आएगा मेरिट, ये किसी को पता नहीं है बिहार में। मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ CSBC के चेयरमैन को पता है, यहाँ तक कि वहाँ के किसी स्टाफ को भी पता नहीं है। लेकिन बाहर जो बातें आती है कि हमको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, सब गलत है। किसी को ये पता था क्या कि 64वीं BPSC का पेपर लीक हो जाएगा? किसी को ये पता था कि दिलीप कुमार CMO को ईमेल करेगा? किसी को ये पता था कि इतने लोग पकड़े जाएंगे और DSP भी अरेस्ट होगा? तो ये लोग सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ लोग और कोचिंग चलाने के लिए कुछ से कुछ मार्केट में बोलते हैं और स्टूडेंट्स को इससे नुकसान होता है, गुमराह होते हैं। तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। अभी जो 8415 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी है उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी के बातों में ना जाए, आप लोग सोशल साइट्स के माध्यम से सरकार से और CSBC से ये आग्रह करें कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। अगर कुछ दिनों में 10 दिन 12 दिन में मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो फिर आप लोग आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। आंदोलन के लिए अगर आप लोग तैयार होते तो हम आपके लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और आप जो लोग भी बोल रहे हैं कि 10 दिन में या 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उनका पिछला वीडियो आप देखिए कि कब वो बोले थे। जरूर बोले होंगे कि 15 जून तक आ जाएगा, फिर बोले होंगे कि 30 जून तक आ जाएगा, फिर बोले होंगे 15 जुलाई तक, फिर 30 जुलाई तक, फिर अभी बोलेंगे 15 अगस्त तक, फिर बोलेंगे 30 अगस्त तक, इस तरह वो लोग बोलते हैं। तो उन लोगों की भरोसा मत कीजिए किसी का भी। और मैं ये मतलब सच्चाई के साथ ये कह रहा हूँ ना, मैंने देखा है, स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ और कुछ जो यूट्यूबर्स भी है वो लोग सिर्फ व्यूज के लिए और शिक्षक कोचिंग चलाने के लिए, बैच बनाने के लिए बोलते हैं, सिपाही हो चाहे दरोगा हो। दरोगा का कहा जा रहा है कि अगला महीना वैकेंसी आ रही है। आज से मैं ये सुन रहा हूँ, ये 2021 से मैं सुन रहा हूँ कि 2 महीना बाद दरोगा का 2400 का आएगा, कोई 2700, कोई 2600, कोई 2500, कोई 2300 आ रहा है और अभी तक नहीं आया। और इसके अलावे आप देखिए पिछले साल ये हो रहा था, अखबारों में भी आ रहा था ना कि सचिवालय की वैकेंसी आएगी। 2018 से आप भी डाले थे, 2018 से हर एक महीने ये खबर चलती थी कि अगले महीने सचिवालय की वैकेंसी आ रही है। लेकिन वैकेंसी कब आई? 6 अप्रैल 2022 को, जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया 2 मार्च से नालंदा से। लेकिन 2018 से लोग वैकेंसी निकाल रहे थे। तो इन लोगों की बातों पे ना जाए, क्योंकि ये लोग का काम ही है बस अपना काम, अपना दुकान चलाना। तो सिर्फ और सिर्फ आप
सीएसबीसी के वेबसाइट पे भरोसा कीजिए कि उसने रिजल्ट जारी कर दिया तो मान लीजिए सीएसबीसी ने कहा कि हम इतना दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो इन लोग को कैसे पता चला भाई? इन लोग को पता चला यानी कि ये लोग सेटर है, जिसको पता है अंदर की खबर, यानी कि सेटर है ये, सेटिंग करा रहा होगा, इसका मतलब कैसे अंदर की खबर इसको पता चल गया भाई? जब वहां के किसी स्टाफ को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा तो इन लोगों को कैसे पता है? यानी कि लोग सेटिंग करवाने में इन्वॉल्व रहते हैं क्या, जो सारी खबर इन लोगों को मिल जाता है? बीपीएससी की तरह है, इसमें भी सेटिंग नहीं ना चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मैं तो इसीलिए लेट हो रहा है, जो लोग पैसा नहीं पहुंचाए होंगे तो इसलिए रिजल्ट रुका हुआ है, जब पैसा पहुंच जाएगा तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। 650 पिछले साल फिजिकल में पकड़े गए थे, यही के एस द्विवेदी साहब थे उस समय भी चेयरमैन, जब हमने कहा था कि पीटी रिजल्ट के समय भी कि धांधली हुआ है, उसका भी पेपर लीक था, आंसर वायरल था, तो हम लोगों ने जब सोशल साइट पे ये मुहिम चलाया था कि भाई सिपाही बहाली में जो है पीटी में पेपर लीक था, आंसर वायरल था, तो कटअप ज़्यादा जाएगा ही, और रिजल्ट के बाद भी कहा तो नोटिस जारी करवाए थे के एस द्विवेदी साहब कि अफवाह फैलाई जा रही है सोशल साइट्स पे, जो इन लोगों पे कार्रवाई होगी, नाम नहीं किसी का था। लेकिन वही के एस द्विवेदी साहब फिर जनवरी में बोलते हैं कि 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, तो के एस द्विवेदी साहब आपने तो खुद एक्सेप्ट किया कि 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, और फुलवारी जेल भी गए थे, वो अभ्यर्थी जेल भी भेजा गया था। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हवा में तीर नहीं चलाते हैं, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बोलेंगे, हम लोग स्टूडेंट्स के हित में आवाज़ उठाते हैं, और छात्रों के बीच रहते हैं तो जानते हैं कहाँ क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं। अभी कोई बता देना दरोगा का कितना 12-13 दिन में मेंस का रिजल्ट आ गया था, जल्दी आ गया, कैसे आ गया भाई? ओएमआर सीट जबकि चेक करना है उनको, इसका तो बीत गया, इसका तो कुछ नहीं, इसका तो कुछ नहीं करना है, जो फिजिकल पास किए उन्हीं का जो मार्क्स आया उसी के आधार पर मेरिट बनना है, ऐसा नहीं कि 10 तरह का या 20 तरह का पोस्ट है इसमें कि आपको दिक्कत भी हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर इतना समय में रिजल्ट नहीं आया, मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो सीधा सीधा यही है कि ये धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है, नहीं तो सीएसबीसी अगर ईमानदार है तो जारी करे रिजल्ट, कब जारी करना है ये कम से कम नोटिस दे दे कि कब हम जारी करेंगे रिजल्ट। देखिए उनको ये पता नहीं होगा ना कि कब तक पैसा पहुंचेगा, इसलिए वो डेट भी नहीं दे रहे कि कब हम रिजल्ट जारी करेंगे। पीटी का ओएमआर सीट सबका जारी कर दे ऑनलाइन, आंसर की जारी करे, क्वेश्चन जारी करे, कटअप जारी करे, क्यों नहीं किया जाता है ये सब? जब अगर ये लोग ईमानदार हैं तो करें ये सब चीज़, हम मांग कर रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ये सब चीज़ कीजिए, और जब तक ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा तो हम लोग आरोप लगाएंगे कि आप भ्रष्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, सीट बेच रहे हैं। जब बीपीएससी में क्वेश्चन आउट हो सकता है, जब बीपीएससी का मेंस का कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाया जाता है, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है, तो सिपाही बहाली में नहीं होता है, 90 से ऊपर कट ऑफ चला जाएगा, 100 क्वेश्चन में 90 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, कि कौन माइकल लाल में इतनी औकात है कि 90 से ऊपर ले आएगा भाई? 2-4 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तय नहीं करेगा। हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? हम लोग नहीं पढ़े हैं? 90 से ऊपर 100 में कट ऑफ जाएगा, वो भी बिहार पुलिस में जाता है, तो समझ लीजिए कि ये उद्योग एक बिहार में फैक्ट्री चल रहा है सेटिंग का, धांधली का, और अरबों रुपए की इसमें उगाही हो रही है, और इसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, बड़े अफसर शामिल है, और पेपर जो लीक कराया जाता है ना सिर्फ पैसों के लिए, पैसों का खेल है, और जब एग्जाम होता है सिपाही का तो आंसर वायरल कराया जाता है जानबूझकर। पहले क्या किया जाता है, फर्जी आंसर को वायरल कराया जाता है ताकि मीडिया में ये चल जाए, अब बाद में देखेगा कि ये तो फर्जी है, अब बाद में सही आंसर को भेजा जाता है जो लोग पैसा देते हैं उसको। लेकिन बीपीएससी का तो सही है वायरल, लेकिन बीपीएससी को सही वायरल था, सही में आ गया था, हम लोग को विश्वास भी नहीं था, लेकिन जब जांच हुआ तो पता चला। इसी तरह अगर सिपाही भर्ती का भी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें सेटिंग चल रही है। जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे उनका भी कार्यकाल अब तो बढ़ गया है, अब तो जारी कर देना चाहिए उन्हें। आखिर सीएसबीसी के चेयरमैन का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया? 6 महीना बढ़ गया है। ये तो पहले से पता था कि वो रिटायर करेंगे, तो किसी किन्हीं और को नियुक्त कर दिया जाता, पहले से नाम तय होता, नियुक्त कर जाता, क्यों इन्हीं को, इनका कार्यकाल क्यों बढ़ा गया भाई? तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि सेटिंग का खेल चल रहा है, सेटिंग का खेल चल रहा है, और जब तक सभी लोग ये शिक्षा माफिया जो है नहीं पकड़े जाएंगे ना, ये बिहार में सेटिंग का खेल चलता रहेगा। अभी बीपीएससी पेपर लीक में इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी 50-60 लोग और कम से कम अरेस्ट होंगे, तब जाकर कुछ रुकेगा, कुछ रुकेगा, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं रुकेगा, कुछ रुकेगा। तो अभी बहुत बड़े पैमाने पे जो ये बिहार में चल पड़ा है ना सेटिंग का खेल, इसको खत्म करने के लिए बिहार के युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, घर बैठे रहने से नहीं होगा। तो अगर ये सिपाही बहाली के युवा सड़क पर उतरेंगे तो छात्र नेता दलित साथ देंगे? बिल्कुल हम साथ देंगे, हम उनके साथ सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं, बस ये लोग एकजुट हो जाएं और किसी कोचिंग संचालक या यूट्यूबर के बहकावे में ना जाएं,
और 10-12 दिन 15 दिन वेट करे, एक डेडलाइन ये लोग खुद तय कर ले कि फलना तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसे 15 तारीख कहा जा रहा है, बहुत जगह हम सुन रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ठीक है 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो लोग ये चीज चला रहे हैं कि 15 तक रिजल्ट अगर नहीं आया तो क्या वो लोग जिम्मेवारी लेंगे कि 15 तारीख तक रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो अभ्यर्थियों को एक प्लान करना चाहिए कि अगर 15 तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और दिलीप कुमार आप लोग के साथ है, बस आप लोग एकजुट होइए। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, लगातार ये अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाते रहते हैं, सड़क पर उतरते हैं, अभ्यर्थियों की जो बात होता है वो रखते हैं। 8415 जिसका विज्ञापन है 2020 के नवंबर में जारी हुआ था, मेरिट लिस्ट के इंतजार में छात्र जो है वो इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार इसके इंतजार में बैठे हुए हैं। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो छात्र नेता दिलीप अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप जय हिंद। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके रेलवे की, तो आप टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं, कोड लगाए RMNMKX और 25% का भारी डिस्काउंट पाए दोस्तों। एक साल का जो ईयरली डिस्काउंट होता है दोस्तों 499 का 375 में मिलेगा दोस्तों। आप 600 से भी अधिक एग्जाम की तैयारी इस जगह कर सकते हैं और डेली ग्रुप डी का टेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जाए और कोड को यूज करें।